नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अलारम अली है, आरजे एमराल्ड वर्ल्ड से। आप देख रहे हैं आरजे एमराल्ड वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एक एयरटेल सिम के बारे में। एयरटेल सिम कार्ड किस तरह से नेटवर्क दिया जाता है, किस तरह से नेटवर्क आता है उसमें, और उसके अंदर क्या खासियत है जो सिम कार्ड के अंदर नेटवर्क दिखा जाता है, और अंदर सिम कार्ड अपन खोल के देखेंगे सिम कार्ड के अंदर क्या है, कौन सी चिप लगी हुई है, कौन सा अंदर है, वो देखेंगे अमन। इतना शानदार नेटवर्क है एयरटेल का, इंडिया का नंबर वन नेटवर्क है, तो उसने चिप के बारे में क्या बनाया है वो अपन कुछ चेक करेंगे चिप में। तो चिप के अंदर क्या है वो पता नहीं मुझे, खोलने के बाद ही पता चलेगा। तो अभी हम लोग इसको खोल रहे हैं। ये एयरटेल सिम कार्ड है, तो सिम है, सिम के साथ में तो ये है, उसके बारे में कुछ जानकारी है। टेलीकॉम कंप्यूटर चार्जर है, मोनी चार्जर है, इस तरह महीने है, क्या है इसके प्रोसेस है, क्या है वो सब लिखा हुआ है, वगैरह वगैरह है जो भी है। तो उसके अंदर सिम कार्ड तो दिखाऊंगा मैं आपको। दोस्तों देख सकते हैं सिम कार्ड तो लिया मैंने एयरटेल का। अभी सिम कार्ड के बारे में इसको देखने का है, खोल के 4G सिम कार्ड है। इसके तीन हिस्सों में बांट के दिया है कंपनी ने, छोटे आप मोबाइल में लगा सकते हैं, बड़े मोबाइल में लगा सकते हैं। आजकल बड़ा लगाना है तो आपको ये यूज़ करो, ये यहाँ से टूटता है, ये बड़ा यूज़ करो, ये कुछ काम नहीं आता फेंक देने का। और ये चीज़ अगर बड़ा यूज़ करना है तो ये लो, और इसे छोटा चाहिए और भी उसे छोटा हो जाता है, बिग सिम कार्ड और ये मिनी सिम कार्ड और नॉर्मल, ये सबसे छोटा सिम कार्ड है। तो इसके अंदर दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट दिया है, 6 इनका प्रोसेस दिया है 6। अब 6 प्रोसेस में कौन सा नेगेटिव है, कौन पॉजिटिव है, वो तो अपन चेक करेंगे। और इसके अंदर क्या मटेरियल बना है, आईसी कैसी बनी हुई है, किस चीज़ की बनी हुई है, वो अपन आज चेक करेंगे उसको खोल के। तो अभी फ़िलहाल चेक कर रहे हैं उसको। तो ये एयरटेल सबसे बेस्ट शानदार इंडिया का नेटवर्क एयरटेल है, इंटरनेट भी अच्छी चल रही है उसके अंदर और प्रोसेस भी बहुत अच्छा है इसके अंदर। मैं भी एयरटेल यूज़ कर रहा हूँ, तो आज हम चेक करेंगे उसको। तो हमने यहाँ पे रख दिया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, मतलब अभी हम लोग चेक करने का है। कुछ प्रॉब्लम है मीटर में लग रहा है, तो अब देखेंगे इसको यहाँ से। अब ये ओके, यहाँ से और यह सप्लाई आ रही है और यहाँ से नहीं आ रही, तो मतलब नेगेटिव है, तो पॉजिटिव है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अच्छा, मतलब ये खाली जगह रहती है, ये चीज़ में करंट नहीं रहता है। ये चीज़ हर एक पार्ट सिम कार्ड में, जो सिम कार्ड मोबाइल का भी रहता है ना, सिम बैठती है उसके अंदर, ये खाली जगह रहती है, उससे कोई मतलब ही नहीं रहता है। यहाँ से सब सप्लाई आ रही है, 1, 2, 3, 4, 5 पांच चीज़ में सप्लाई रहती है, और छठा चीज़ खाली रहता है। छठा चीज़ खाली क्यों है, क्यों कारण है, क्योंकि 3 पॉइंट नेटवर्क पकड़ते और एक उसका सर्वर रहता है, और ही ऐसा ही है। तो ये तो अपना चेक हो गया सिम कार्ड चेक तो हो चुका है अपना। तो मीटर अंदर रख दिया अपन। अभी अपने करने का है इस सिम कार्ड के बारे में, तो इस सिम के अंदर कौन सा चिप लगा हुआ है, कैसा लगा है, क्या है इसके अंदर, तो अपन अब तोड़ेंगे सिम कार्ड को। सिम कार्ड को खोलेंगे
खोलने के बाद ही पता चलेगा कि अंदर क्या है क्या नहीं है। तो सिम कार्ड तो है, इसके बारे में देख रहे हैं अपन। इसके लिए अपने को लगेगा एक ट्वीज़र, एक कटर, भैया आराम से निकालने का, नहीं तो अंदर मेटेरियल दिखेगा नहीं कि अंदर क्या चीज़ है। खुलने वाला तो है सिम कार्ड, क्योंकि सिम कार्ड अपना रजिस्ट्रेशन फेल हो गया है, सिम कार्ड ऑलरेडी ख़राब है, तो हम ख़राब सिम को ही खोलेंगे, न्यू क्यों भाई ख़राब करे कंपनी का सिम कार्ड। तो अपने को ख़राब सिम कार्ड वेस्टेज है, कचरे में फेंकने वाले, तो अपन उसको चेक कर लेते हैं। तो भाई देख सकते हैं हमने सिम कार्ड तो खोल लिया है। ये देखिए सिम कार्ड अपना हो गया अलग, ये पीछे का पार्ट है जो सिप को सेफ्टी रखे, और ये शिफ्ट है, शिप है। अगर इसके अंदर देखा जाए तो क्या है, अभी देख लेते हैं अभी इसको, कि हल्का सा अंदर एक शिप दिया हुआ है जो एकदम बारीक है, इतना बारीक है आपको दिखेगा भी नहीं, कैमरे में भी नहीं आएगा शायद मेरे हिसाब से, तो कैमरे में भी नहीं आएगा। इसके अंदर यहाँ पे शिफ्ट है, यहाँ शिफ्ट वहाँ सब जगह वायरस का फैला हुआ है, सब जगह फैला हुआ है। अभी आप जूम किया मैं कैमरा, जूम में देख ले, हल्का सा एक बारीक से है। वो आप देख सकते हैं कितना बारीक दिया पॉइंट। अब इसके अंदर क्या है वो तो अपन कटिंग करके बाद में पता चलेगा। ये मैंने काट दिया सिम को, यहाँ पे छोटे छोटे वायर थे, मैं अब वायर तो आपको दिखेगा नहीं, या पॉइंट दिया हुआ है अंदर वायर बोर्ड के, जैसे मोबाइल के अंदर बोर्ड में वायर दिया ना वैसा। तो चिप तो क्या चीज़ की बनी हुई है, प्लास्टिक की पूरी बनी हुई है, और इसके अंदर हल्का सा शिप दिया है, एकदम बारीक शिप दिया है ना, कि आपको पता ही नहीं चले क्या चीज़ बनी हुई हो, तो पता ही कुछ समझ में नहीं आ रहा ये चीज़ क्या है अंदर। देख सकते हैं दोस्तों ये शिप है, अब इसके अंदर जो क्या है वो तो आपको कैमरे में शायद तक नहीं आएगा, इतना बारीक है वो कैमरे में दिखेगा ही नहीं आपको। तो यहाँ पे जो ये पोजीशन दिया हुआ है, ये मेन खास ये है, ये ऐसा लगता है कुछ निक, ऐसा लगता है कुछ कलर चिपका हुआ है वैसा लगा हुआ चिप। तो दोस्तों ये तो अपना सिम कार्ड नेटवर्क, तो बहुत बनाने वाले का क्या दिमाग रहेगा, बहुत अच्छा बनाया दिमाग बनाने वाले की, मेरे तरफ से बहुत सलूट है उसको कि इतना अच्छा सिम कार्ड बनाया उन्होंने, अच्छा से नेटवर्क यूज हो रहा है उसके अंदर, कैसे बनाया रहेगा उन्होंने वो तो वैज्ञानिक लोग को पता रहेगा। लेकिन अपन हम देख लिया खोल के तो कुछ भी नहीं मिला अपने को, खाली एक छोटा सा शिप मिला है, वो भी कुछ ऐसा लगता है कि अपने को सोल्डर मारा रहेगा, हल्का सा एक बूंद मार दिया वैसा, एक ये चिमटी की नोक कितना है उतना ही लग रहा है ऐसा, कि यहाँ पे डॉट है एक, ये चीज़ एक डॉट है बस, ये डॉट दिख रहा है ना, यही मेन पावर है अपना, यही नेटवर्क पकड़ता है, हर चीज़ यही करता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मेरा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हो वीडियो देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब चलिए बाय बाय दोस्त, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो मिलूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।